नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मानहानि से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हाईकोर्ट का नोटिस। प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े मामले में नोटिस जारी की है। हाईकोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ने इस मामले में प्रतिवादी बनाए सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस मानहानि से जुड़े दीवानी मुकदमे का नोटिस जारी की है। सुधीर शर्मा ने इससे पहले एक लीगल नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री से माफी मांगे और मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। सुधीर शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बार बार उन पर कीचड़ उछाला है, कई अपमानजनक टिप्पणियां की है जिससे उनकी मानहानि हुई है। सुधीर शर्मा की ओर से दायर मामले के अनुसार सुक्खू ने सुधीर शर्मा पर कई झूठे आरोप और गलत टिप्पणियां की है। दलील है कि उन पर 15 करोड़ में बिकने के झूठे आरोप लगाए और सबूत होने की बात फैलाई, परंतु एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। परवाणु में नहीं थम रहा डायरिया मामलों की संख्या 600 के पार। परवाणु में डायरिया थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में लगातार डायरिया के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी डायरिया के 16 नए मामले आए हैं। इस तरह शहर में डायरिया के मामलों की संख्या 600 पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग व हिमोडा के लिए चुनौती बना हुआ है। शहर में पानी की आपूर्ति हिमोडा द्वारा की जाती है। प्रशासन की समझ में नहीं आ रहा कि ये बीमारी कहां से फैल रही है। शिमला से लेकर सोलन तक इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चला हुआ है, लेकिन धरातल पर कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन ओपल भी अपनी टीम के साथ वीरवार को परवाणु का दौरा करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करेंगे। विदित रहे कि दूषित पानी की आपूर्ति से परवाणु में डायरिया फैल गया था। 2 दिनों में डायरिया के 200 के आसपास मामले सामने आ गए थे। उसके बाद भी लगातार डायरिया के मामले सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी बने अतुल वर्मा। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद अधिसूचना जारी। वर्ष 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अतुल वर्मा को हिमाचल का नया डीजीपी लगाया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पुलिस प्रमुख का अहम दायित्व सौंपा गया है। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद मुख्य सचिव की ओर से बुधवार को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई है। वहीं दोपहर बाद डॉक्टर अतुल वर्मा ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर प्रदेश पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभाला। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। 2 माह पूर्व भी सरकार ने उन्हें डीजीसीआईडी का अहम जिम्मा सौंपा था। डॉक्टर अतुल वर्मा मूल रूप से झारखंड के रहने वाले और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान भी अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। राज्यसभा सीट के जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी तो सरकार के खुफिया तंत्र पर भी कई सवाल उठे थे। इसके बाद सरकार ने डॉक्टर अतुल वर्मा को गुप्तचर विभाग का जिम्मा सौंपा था। डीजीपी की दौड़ में उनके साथ ही वर्ष 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी व डीजी जेल एसआरओज और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे वर्ष 1990 बैच के श्याम भगत नेगी का नाम भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का मामला। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोविशील्ड निर्माता कंपनी द्वारा वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर किए गए कबूलनामे के बाद अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की देखरेख में एम्स के निदेशक की अध्यक्षता में चिकित्सा विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने की मांग की है। ये याचिका 2021 की लंबित एक जनहित याचिका के मद्देनजर दायर की गई है। उन्होंने अपनी याचिका में दलील देते हुए केंद्र सरकार को उन नागरिकों के लिए टीका क्षति भुगतान करने और उसके लिए एक टीका क्षति प्रणाली स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण अभियान के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से विकलांग हो गए या जिनकी मृत्यु होगी। सीएम सुख बोले, हिमाचल में कांग्रेस की लड़ाई बिकाऊ विधायकों के खिलाफ, 4 जून को भाजपा को मिलेगा जनता का जवाब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर फिर सियासी निशाना साधा है। नादौन में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया। 4 जून को प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के जयराम ठाकुर के दावे पर सीएम सुक्खू ने कहा कि
नेता प्रतिपक्ष झूठ व डर के सारे सत्ता पाना चाह रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। वे धैर्य रखे, 4 जून को जनता का जवाब भाजपा को मिल जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को फिर दी शेरी मंच पर खुली बहस की चुनौती। मंडी में कांग्रेस के प्रत्याशी एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को फिर से शेरी मंच पर खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बहस के दौरान भी अपना विजन और कंगना अपना विजन रखेगी कि अभी तक मंडी व प्रदेश के लिए क्या क्या किया है और आगे क्या करेंगे। लोकतंत्र में डिबेट होनी चाहिए ताकि लोगों को अपने प्रत्याशियों के विजन का पता चल सके। बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना का मोदी जाप करने का एक एजेंडा है, लेकिन उन्हें अपना विजन भी लोगों के समक्ष खुलकर रखना चाहिए। उन्होंने कंगना को एक सैलानी कहा है जो मौसम अच्छा होने पर अलग अलग स्थानों पर जा रही है तथा चुनाव समाप्त होने के बाद लौट जाएगी। मैं फिर से कंगना रनौत जी को ये निवेदन करूंगा कि मंडी के शेरी मंच पर आकर आप हमारे साथ ओपन डिबेट करें। मैं अपना विजन बताऊंगा, हमने क्या काम किए हैं, आपदा के समय में हमने कितना सहयोग वहां के लोगों का दिया है। करीबन 13 करोड़ रुपए आपदा के दौरान मंडी जिला के अंदर आपके प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री ने दिया। हमने केंद्र मंत्रियों के साथ, आदरणीय नितिन गडकरी के साथ, आदरणीय हमारे जो ग्रामीण सड़क मंत्री हैं उनके साथ हमने तालमेल बनाकर अतिरिक्त हिमाचल के लिए 150 करोड़ रुपए मैं लेकर आया। और उसके साथ साथ मेरे कार्यकाल में 15 महीने के हमारे कार्यकाल में 3500 करोड़ रुपए के सड़कों के निर्माण कार्य और अपग्रेडेशन का कार्य हमने प्रदेश के अंदर करवाया है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के बीच में रखेंगे और आने वाले समय का विजन भी लोगों के बीच में रखेंगे। मैं फिर से जो हमारी कैंडिडेट है उनसे निवेदन करना चाहूँगा, एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में उनको आना चाहिए और डिबेट करनी चाहिए ताकि जनता को ये पता चले कि भाजपा के प्रत्याशी का क्या विजन है, कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या विजन है। क्योंकि जहाँ पर भी वो जाती हैं उनका एक ही एजेंडा है, मोदी जाप करती रहती है सुबह से शाम तक, मोदी 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 मोदी। मैं समझता हूँ ठीक है, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है, उनका हम पूरा मान सम्मान करते हैं, बट कम से कम आप अपना एक विजन तो रखें अदर देन व्हाट यू आर डिपेंडेंट इंटायरली ऑन द प्राइम मिनिस्टर। आप खुलकर आप क्लेम करती हैं कि आपने पूरा दुनिया देखा है, आपने पूरा विश्व देखा है, आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, तो आप आइए और अपना विजन रखिए कि क्या विजन आपका मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, क्या आप करना चाहती हैं, उसका एक पूरा चिट्ठा लोगों के समक्ष रखें। नरेश चौहान बोले, मुद्दों की जगह धर्म और जाति की राजनीति कर रही है भाजपा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार का 10 वर्षों का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। आप भाजपा नेता असली मुद्दों पर बात ना करके धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोग असली मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई क्यों बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के दोस्त एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जबकि जनता को 5 किलो आटा देकर एहसान जताया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान राज्य सरकार के 15 महीनों के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि भाजपा नेता राजनीति को निचले स्तर पर ले जा रहे हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में 2 ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किए हैं। दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। सेब किलो के आधार पर बेचे जाने की नीति लाई गई है। राज्य सरकार ने सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ऐतिहासिक 1.5 रुपए की बढ़ोतरी करने के साथ साथ सी स्टोर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम किया और अब अगले सीजन से सेब यूनिवर्सल कार्टन में बिकने जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमा सम्मान निधि देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 1000 और 1150 रुपए पेंशन प्राप्त करने वाली प्रदेश की 2,74,000 महिलाओं को भी 1500 रुपए पेंशन प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा कांगड़ा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतर सकती है। वे शिमला के रहने वाले और पूरा राज्य उनका घर है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेरा विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में कही है। सुक्खू ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि आनंद शर्मा को कांग्रेस से टिकट मिली है। वे अच्छे वक्त है, उनकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अच्छी पकड़ व समझ है।
सीएम ने कहा कि आनंद शर्मा पूर्व यूपी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते कांगड़ा के लिए बड़े प्रोजेक्ट व कार्यालय लाए हैं। कांगड़ा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इंदौरा में 150 करोड़ रुपए की लागत का इंडस्ट्रियल पार्क, चाय बागवानों के लिए नेशनल टी बोर्ड का रीजनल सेंटर आनंद शर्मा ने खुलवाया है। दरों में 4 दिन से हिमपात जारी, ले व जासकर मार्ग बंद होने से बड़ी मुश्किल है। मनाली की ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों सहित लाहौल स्पीति में मई महीने की शुरुआत बर्फ के फाव से हुई है। मनाली ले व मनाली जासकर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही में मौसम बाधा बन गया है। बीआरओ ने सिमकुला दर्रे को बहाल कर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी थी, लेकिन गत एक सप्ताह से हिमपात के चलते 2 से 2.5 फुट बर्फ जमा हो गई है। मनाली ले नेशनल हाईवे के दोनों छोर भी बीआरओ ने 24 अप्रैल को जोड़ दिए थे, लेकिन तब से मौसम बाधा बना हुआ है। ले जाने के लिए दारचा में 3 दिन से सामान से भरे 10 से अधिक ट्रक खड़े है। इन सभी दरों में 4 दिन से लगातार हिमपात का क्रम जारी है। बुधवार को भी समस्त दरों सहित लाहौल में बर्फ के फाये गिरे। स्कूल के शौचालय का लेंटर व दीवार गिरने से 4 विद्यार्थी घायल, रोड़ू अस्पताल में भर्ती। रोड़ू उपमंडल के तहत उप तहसील जांगला के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला टिपरोली में शौचालय का लेंटर गिरने से 4 विद्यार्थी जख्मी हो गया है। घायल हुए सभी बच्चों को तुरंत सिविल अस्पताल रोड़ू पहुंचाया गया, जहां पर सभी की हालत खतरे से बाहर है। कांगड़ा में 3 बड़े कार्यक्रमों को लेकर ट्रैफिक व सुरक्षा प्लान तैयार, 1100 पुलिस जवान संभालेंगे जिम्मा। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 और 9 मई को आईपीएल मैच और 6 मई को राष्ट्रपति दौरे और परोर में राधा स्वामी सत्संग आयोजन को लेकर 1100 पुलिस जवानों व अधिकारियों पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा होगा। धर्मशाला में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर 30 SP, ASP और DSP रैंक के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। धर्मशाला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था 6 सेक्टर बनाए जाएंगे, जबकि परोर में सत्संग कार्यक्रम के लिए बवारना पुलिस थाने को ट्रैफिक प्लान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें धर्मशाला की तरफ से आने वाले वाहन बाया नगरी होकर जाएंगे। रणधीर शर्मा बोले, आपदा में केंद्र से मिले 2000 करोड़ में से 1820 करोड़ ही खर्च पाई सरकार है। भाजपा विधायक एवं भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग मदों में 2000 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए, लेकिन उसमें से राज्य सरकार ने 1820 करोड़ रुपए खर्च किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने केंद्रीय प्रोजेक्टों में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया है, इसी कारण भानुपल्ली रेल लाइन में अपनी हिस्सेदारी नहीं डाली। 75:25 वाली इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 4938 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन प्रदेश सरकार अपना हिस्सा नहीं दे पाए। इस प्रोजेक्ट के लिए पिछली भाजपा सरकार ने 800 करोड़ रुपए दिए। रणधीर शर्मा यहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौज मस्ती के कारण वर्तमान सरकार आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार हुई है।